हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार है। आज अपना चैनल में स्विच गियर के बारे में वीडियो देखेंगे, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर के बारे में। तो स्विच गियर का क्या काम है, उसका कैसा इंस्टॉलेशन करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स है, वो सब इस वीडियो में आपको दिखा जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप करके, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग क्यों मीडियम वोल्टेज करके बोलते हैं, वोल्टेज के हिसाब से इसको उसको डिवाइड किया गया है। तो 600 तक हम लोग लो वोल्टेज करके बोलते हैं, और 600 वोल्टेज से 69 केवी तक हम लोग मीडियम वोल्टेज करके बोलते हैं, और 69 केवी से 230 केवी तक हाई वोल्टेज करके बोलते हैं, और 230 केवी से 1100 केवी तक हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज करके बोलते हैं, और 1100 केवी को हम लोग अल्ट्रा हाई वोल्टेज करके भी बोलते हैं। इसीलिए 69 केवी से अंदर ही रहता है इसका वोल्टेज, इसीलिए इसको मीडियम स्विच गियर करके बोला गया है, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। और स्विच गियर को क्या काम है, जो अपना घर में एक लाइट जलाने के लिए स्विच यूज़ करते हैं, सेम काम इसी का ही है। और इसमें प्रोटेक्शंस वगैरह ज़्यादा रहता है, जैसा हम लोग का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो तुरंत बंद करते हैं, वैसे इधर भी कुछ पावर फीडर में उधर जो लोड हो गया, जो भी ड्राइव हो गया उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो, और ट्रांसफार्मर हो गया उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो अपने आप बंद होना है। बंद होने के लिए इसमें करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी रखा है, उसी के मेजर करके ये स्विच गियर ट्रिप करेगा। स्विच गियर मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, कंट्रोल सर्किट सब मिला के स्विच गियर ही है। इसको मेन काम है तो करंट को ब्रेक करना फॉल्ट कंडीशन में, और आइसोलेट करके रखना है अगर काम उसमें काम करने के टाइम, यही काम है स्विच गियर का। स्विच गियर का इक्विपमेंट्स, सर्किट ब्रेकर्स, रिले, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कंट्रोल सर्किट, बस बार तीन फेज के लिए, उस बार बस बार को सपोर्ट करने के लिए इंसुलेटर रहता है अंदर। तो पिक्चर देखिए, इसमें पैनल्स ऐसी रहेगा, इस पैनल्स को अरेंज करके 10-15 पैनल अरेंज करने से उसको स्विच गियर करके बोलते हैं, स्विच बोर्ड। ये सिंगल स्विच बोर्ड है, वो ज़्यादा अरेंज करके उसको स्विच गियर करके बोलते हैं। इसमें जो फ्रंट साइड है वो ऊपर वाला रिले कंट्रोल पैनल सर्क्यूट से रहता है, और नीचे वाला ब्रेकर कंपार्टमेंट रहता है। पीछे जो उसके पीछे है वो केबल कंपार्टमेंट्स वगैरह रहता है, बस बार कंपार्टमेंट रहता है। इसमें आप क्रॉस सेक्शन में देखने से आराम से समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला जो है वो रिले पोर्शन है, और नीचे ब्रेकर का पोर्शन है, पीछे वाला केबल कंपार्टमेंट है, उसके ऊपर वाला बस बार कंपार्टमेंट है। जो केबल कंपार्टमेंट में सीटी पीटी रहता है, इस पिक्चर में देखिए, केबल कंपार्टमेंट में सीटी रहेगा, अगर वोल्टेज मेजर करना है तो उधर पीटी भी लगा रहता है, उसका मेजरमेंट का कंट्रोल केबल एलवी कंपार्टमेंट को आता है, जो ऊपर एलवी कंपार्टमेंट दिख रहा है उसमें आएगा, और उसी में ही लगा रहता है रिले और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उसी में रिले मेजर करेगा सीटी पीटी का पैरामीटर्स को। और उसको नीचे है वीसीबी ट्रॉली, इसी वीसीबी को हम लोग पैनल के अंदर लगा डाल के रैक इन रैकआउट करते हैं। रैक इन रैकआउट का मतलब, जब पावर सोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसको हम लोग रैक इन करके बोलते हैं। रैक इन करने से पावर सोर्स के साथ वीसीबी कनेक्ट हो जाएगा, वो ऑन करने से पावर सोर्स को सप्लाई जाएगा। तो अपने को कुछ पावर सोर्स में कुछ, मतलब लोड साइड में कुछ काम करना है ट्रांसफार्मर में या जो कोई भी, तो इस ब्रेकर को रैकआउट पोजीशन में रखते हैं, मतलब टेस्ट पोजीशन में, तो वो पावर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं रहता है, आउट पोजीशन में रहता है, इसीलिए हम लोग उधर भी काम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो भी आउटसाइड हो गया उसके लिए दो पोजीशन इसमें रखा हुआ है, और ऊपर जो बस बार कंपार्टमेंट है वही मेन कंपार्टमेंट है, उसी में सप्लाई रहता है, उसी से ब्रेकर के थ्रू केबल कंपार्टमेंट में सप्लाई जाएगा। सीटीपीटी कंट्रोल पैनल है ये, जो केबल कंपार्टमेंट में सीटीपीटी रहता है उसका मेजरिंग वायर वगैरह इसी में कंट्रोल पैनल में आएगा, इधर ही मेजरमेंट्स वगैरह होगा, प्रोटेक्शन वगैरह। और बस बार सेक्शन देखिए वैसे रहेगा अंदर का, एक एक बोर्ड का देखा था आपने, इसमें सारा बहुत सारा बोर्ड्स एक साथ इंस्टॉलेशन किया है, इसीलिए वैसे दिख रहा है। और ये पिक्चर देखिए और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बस बार से टैपिंग लिया रहता है, इस टैपिंग ही अपने को वीसीबी का जो ब्रेकर का इनपुट में जाएगा,
ROIB, और VCB का आउटपुट में वैसे ही रहेगा जो नीचे CT रहेगा, PT अगर वोल्टेज मेजर करना है तो PT रहेगा, उसके साथ केबल कनेक्टेड में रहता है। और VCB ऑन करने से ऊपर जो बस बार में वोल्टेज सप्लाई है वो इसके थ्रू आउटपुट में जाएगा। एक सिंपल डायग्राम लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये रियल डायग्राम नहीं है, आराम से समझने के लिए लिया है। एक मेन इनकमर से सप्लाई आएगा, उसी इनकमर के थ्रू बस बार में चार्ज रहेगा, वो जो ऊपर आप लोग बस बार सेक्शन में देखा वो चार्ज रहेगा, उसमें सप्लाई रहेगा। और उस इनकमर को हम लोग को ब्रेकर, सब इनकमर जो लिखा है उस इनकमर ब्रेकर को चार्ज करने से आउटगोइंग फीडर में सप्लाई आएगा। तो आउटगोइंग फीडर में जो भी ब्रेकर्स है उसको चालू करने से जो आउटपुट लोड है उसको सप्लाई जाएगा। जो नीचे फीडर बस वन फीडर बस टू है उसको समझ लीजिए, सिर्फ उसी में जो ब्रेकर है वही हम लोग अभी पहले देखे थे, उसको चालू करने से केबल कंपार्टमेंट के थ्रू मोटर को जाना है तो मोटर को जाएगा, हीटर को वैसी सिंपली जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम है तो वो सीधा ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। स्विच गियर कंट्रोल्स, स्विच गियर को हम लोग दो लोकेशन में ऑपरेट कर सकते हैं, एक है टेस्ट पोजीशन, दूसरा है सर्विस पोजीशन। जो मैं पहले बताया था, अगर पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो वो सर्विस पोजीशन है, और उसी से आउटसाइड में है तो उसको टेस्ट पोजीशन करके बोलते हैं। इसमें दो इंटरलॉक रहता है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक और मैकेनिकल इंटरलॉक। इस इंटरलॉक्स पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए तभी ब्रेकर क्लोज होगा, वो मैन्युफैक्चर के हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से डिफरेंट होगा, वो ड्राइंग देखने से ही समझ में आएगा। और इसमें दो ऑपरेशन होता है, एक लोकल ऑपरेशन है, रिमोट ऑपरेशन है। लोकल ऑपरेशन आप पैनल के सामने खड़ा होके उसमें जो स्विचेस है उसको ऑपरेट करके क्लोज कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं। और रिमोट का मतलब है दूसरा, कहीं दूर से आपको आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं कंट्रोल रूम से भी। कैसा ऑपरेट होता है, जो पैनल के सामने खड़ा होने से उसमें TNC स्विच करके एक रहता है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच, उसको आप ऑपरेट करके क्लोज ट्रिप कर सकते हैं। जब फॉल्ट आएगा, कुछ ड्राइव साइड हो गया, कुछ ट्रांसफार्मर जो भी हो गया आउटसाइड, उस फॉल्ट को करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू मेजर करके रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो ये वैक्यूम से इसमें स्विच गियर ज़्यादा रिलायबल रहता है, ऑपरेशन भी फास्ट रहता है, सेफ ऑपरेशन। फ्रेंड्स, जो मैं स्विच गियर के बारे में जो डिटेल था, जो मुझे मालूम था, वो सब आपको बता दिया। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद होगा तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।